Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSC क्लासेस में। चलिए फिर दोस्तों, देखिए आज से ये जो लेक्चर है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये है इंट्रोडक्शन। अब ये किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है, और आई थिंक थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि एकेडमिक के लिए, मतलब जो 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 बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के हो गए हैं, इवन आप कह सकते हैं कि भाई देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसे हम पढ़ते हैं, और इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सिंथेसिस हो गया, मूड हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, ये जितने भी चीज़ें उसके एलिमेंट्स हैं। अब आप कहेंगे सर मेरे सब्जेक्ट में पर्टिकुलर ये चैप्टर आता है या मेरे सिलेबस में ये है, तो देखिए आपको पढ़ना सब पड़ेगा। अगर आप उसमें आप बेहतर करना चाहते हैं तो सबकी उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अगर फिलहाल नहीं हो पाता है फिर भी आप उतने चीज़ों को कवर जरूर रखें, मतलब ज़रूर पढ़ें कि जो वाकई में उस जो एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं उसमें काम आए। तो फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन जो मैंने पूरा का पूरा टेंस हमने फिनिश कर दिया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके सभी पार्ट्स भी, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। वो सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, वो बाकी सभी के लिए, जो भी टेंस पढ़ते हैं, मतलब भाई जो इंग्लिश सब पढ़ रहा है तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं अभी तो गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं किया है कि पेपर कब होगा, कब एकदम एग्जैक्ट नहीं, बट ये ऐसा गेस किया जाता है कि हो सकता है लास्ट वीक ऑफ द मार्च के लास्ट वीक तक हो जाए, या फिर अप्रैल में भी जा सकता है, जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 20 से 25 दिन में आपका जो सिलेबस होगा वो मैं फिनिश कर दूँगा लैंग्वेज का। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है या फिर बोर्ड का, खास करके इंटरमीडिएट का, बाकी वो इंक्लूडिंग हाई स्कूल मैट्रिक्स वाले भी, हाई स्कूल वाले भी उसमें मतलब वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो वो अगर इंट्रोडक्शन क्लास की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी या फिर क्या क्या हमें पढ़ना है जो इंटरमीडिएट को काम आएगा, वो है आपका पहला तो है नरेशन, ठीक है, नरेशन, और आपने पढ़ना है वॉइस, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, और आप पढ़ेंगे सिंटैक्स, इसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप कह सकते हैं, और आप पढ़ेंगे सिंथेसिस, ठीक है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको पढ़ना होगा। अब ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, वॉइस है, नरेशन है, और साथ साथ में आपको अगर एक अनसीन पैसेज भी आता है। अब अनसीन पैसेज का मतलब आप ये ऐसे समझे कि एक आपको स्टोरी दे दी जाएगी और उसी में आपसे उसी और क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी स्टोरी में से निकाल निकाल के आंसर को लिखना होता है, अनसीन पैसेज उसे कहते हैं। और वकैब भी पढ़ना पड़ेगा, वकैबलरी आप लिख लें, ठीक है, तो वकैबलरी भी आपको पढ़ना है। तो नरेशन में आपको पता ही है कि हम भाई एक दो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। हालांकि ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में काम आती है, मतलब वही करना ही होता है, हालांकि फिर से कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। सिंथेसिस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंटैक्स में आप देख पाएंगे कि आप पढ़ेंगे कि इसमें किस वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है। सिंथेसिस में इसमें कि आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स, और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। अब इसी में होता है सिंपल से कंपाउंड बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, कंपाउंड बनाना, ऐसे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल बनाना, ये चीज़ सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में वही यही पूरा चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, मतलब एक तरीके से वो भी हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करेंगे, इस चीज़ को स्किप करके रखेंगे, किस लिए करेंगे,
क्योंकि ये जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो लगे हाथ हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को सीख ही लेंगे, तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा हम ये सीखेंगे कि कैसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलें, कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलें, वो हम सीखेंगे। मतलब ये भी पोर्शन रहेगा बहुत ही लाइटली आप कह लें, तो इस हिसाब से ये भी डन है। ये इतना चीज़ें हो गया और इसमें आपने क्या सीखना है वो। अब अनसीन पैसेज में स्टोरी दी रहेगी, उसमें से क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं, जब सभी के आंसर्स उस पैसेज में एक जो पैराग्राफ दिए होते हैं, एक जो स्टोरी होते हैं उसमें मिल जाता है। और वोकैबुलरी में आप देखेंगे इसमें आपको जैसे एंटोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया और सिनोनिम का यूज़ होता है, ईडियम, idioms, phrases, one words क्या होता है, मतलब ढेर सारे शब्दों के जो एक शब्द होता है उसी को कहते हैं one word। ठीक, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये नरेशन क्या होता है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, आपको डर इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमें चीज़ों को करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ इस चीज़ को, हालांकि मैं यहीं, आपको इधर जगह है हमारे पास तो हम यहीं डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं नरेशन। नरेशन देखिए, बेसिकली नरेशन का मतलब आप ऐसे समझे कि नरेट, देखिए नरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। अब वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन कोई भी अगर नरेट करता, नरेट का मतलब भी वही, मतलब एक्सप्लेन ही एक तरीके से चीज़ों को बोलना ही क्या, स्टेट कहना, कहना कह देना ही क्या कहलाता है नरेशन। तो आप समझे कि नरेशन हम दो टाइप के, मतलब इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला तो आपको ये मिलेगा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन आप कह लें, और दूसरा आपको मिलता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब जैसे किसी ने कुछ बोला, जब हम किसी किसी के बातों को एज इट एकदम डिक्टो, जैसे उसने जैसे कहा सेम उसी चीज़ को हम, चीज़ों को अगर कहें, अगर हम कोट करें, मतलब उसी चीज़ को अगर लिखें, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि व्हेन वी कोट, या यू कैन कोट द एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि यार, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दूँ यहाँ पर कि ही सेड I am a teacher, ठीक है, उसने कहा कि मैं क्या हूँ, टीचर। अब इसी चीज़ को देखिए, अब वो वैसे ही बातों को एक्चुअल वर्ड्स को रख देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन। एक्चुअल वर्ड्स को, जैसे ही सेड कि I am a teacher, उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, he said that He was a teacher. अब देखिए, उसने कहा था, मतलब उसने कहा था कि वो टीचर था, मतलब वो एक टीचर है। अब समझिए ये इनडायरेक्ट हो गया। जब हम एक्चुअल वर्ड्स को कोट करने का मतलब होता है कि देखिए, ये जो कोट वर्ड हमने यूज किया है ना, ये होता जो हमने ऐसे मार्किंग कर रखी है, ये ऐसे, ये दिखलाता है कि ये होता है डायरेक्ट। मतलब जब अगर आप ऐसे आप समझ लें कि जब हम किसी के द्वारा कही गई चीज़ों को सेम एक्चुअल वर्ड में कह दें कि जिस जो उसने कहा वही हम आपको बता दें, सेम वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स को अगर रख देते हैं, उसी वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट। और अगर उसी चीज़ को हम वो ना कह के, बल्कि चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके अगर हम लिख दें उसे, उसके एक्चुअल वर्ड, देखिए बताना तो हमें सेम है, मतलब बातें वही करनी है, लेकिन बातों को बदल के, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके अगर बता दी जाए, तो वो होता है ना, जैसे आप किसी के दोस्त के पास गए, आपने कहा कि यार देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो किसी तीसरे से बताया कि यार उसने तो बहुत कोई मॉडिफाई करके बता देता है, मैनिपुलेट करता है, तो वो बातें जब बढ़ा चढ़ा के बना के बता देता है, लेकिन कहता वही है, थोड़ा सा बढ़ा देता है या फिर उसे थोड़ा सा चेंज कर देता है या अपने शब्दों में कर देता है, तो वही क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। तो ये बातें हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब समझते हैं इसमें और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब आप देखिए, ये जो कोटेड किए गए हैं, मतलब एक ये कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ऐसे यूज़ किया गया है, तो इनके भी कुछ पार्ट्स होंगे भाई, ये भी, इनका भी तो कोई वो होना चाहिए।
तो ये जो आप बाहर देख रहे हैं ना, ये और ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंतर है और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो आप समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आप देखिए, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम समझाते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ उसे क्यों कहते हैं, ये भी बताऊँगा। और जो इन्वर्टेड कामा के है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, अब आपको पता होगा कि जैसे अगर आपको ना भी पता हो तो आप ये समझें कि मतलब वो वर्ब जो उस इन्वर्टेड कामा के अंदर है, मतलब वो जो कहना चाहता है वो उसकी बातों को जोर रख पाता है, मतलब जो वो कहता है। देखिए, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को रिफ़र करने के लिए या पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, वही क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। हम रिपोर्टिंग वर्ब कह के यही तो डिनोट कर रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच वो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, या फिर ये कह लें कि दैट, मतलब रिपोर्टेड स्पीच इज दैट दैट इज सेड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा कहा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा कहा, मतलब जो रिपोर्टेड वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि दैट टेल्स अबाउट रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और ये होता है व्हाट इज सेड बाय रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको और दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं कि जो द क्लॉज इसलिए कहेंगे कि इसमें क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए और ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। तो वो क्लॉज जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो रिपोर्टेड स्पीच के, मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब इसे इसलिए कहा गया कि ये रिपोर्ट करता है, मतलब इट टेल्स अबाउट द पर्सन व्हाट हैज़ बीन सेड, जो कहा गया वो बताता है। और ये क्या कहता है कि ये होता है जो बता दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कह दिया गया, जो बता दिया गया है या जो बताया जाता है वो है, और ये जो बताता है वो है। आप समझ पा रहे हैं, ये मैंने आसान भाषा में लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो बतलाता है कि क्या है उसके बारे में, मतलब दैट टेल्स अबाउट द पर्सन, जो किसी इंसान के बारे में या स्टेटमेंट के बारे में बताता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब स्टेटमेंट को डिफाइन करने का इंडिकेटिव जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इंडिकेशन होता है, जो उस इंडिकेशन में जिसके बारे में जो कहा गया होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें का मतलब कि चीज़ें बदलती हैं, जैसे पास्ट का प्रेजेंट में पास्ट बदल जाता है, हर प्रेजेंट का पास्ट में बदलता है, और कुछ चेंजेस भी होते हैं जो पर्सन होते हैं वो। तो चलिए हम उस पर्सन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने क्या सीखना है अभी इसको बदलने के लिए, देखिए इसमें हम क्या क्या देख पाएंगे और क्या क्या चीज़ें आप समझेंगे वो हम समझाते हैं आपको। ये जो रिपोर्टिंग, अब इसमें देखिए टेंस को हम पढ़ेंगे, टेंस को कैसे बदलेंगे तो वो हमें पढ़ना है, और दूसरी चीज़ ये हमें पढ़ना है कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। जैसे सिंपल अगर कोई आ गया सेंटेंस तो उसे हमें कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मतलब बेसिक मीनिंग के बेस पे कितने वर्ड्स आपको, मतलब सेंटेंस कितने मिलते हैं वो समझिए। देखें जैसे यहाँ पर समझें, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंस होता है, पहला तो होता है आपका असर्टिव कह लें,
असर्टिव को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये होता है एक असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और दूसरा जो होता है, जो दूसरा होता है आप समझ लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आप देखेंगे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और चौथा आप देखेंगे इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कई कई बुक्स में आप देखेंगे, मतलब कुछ राइटर ने, जो ग्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने ऑप्टेटिव नहीं लिखा है, बल्कि वो इसी में ही रख दिया है, एक्सक्लामेटरी में ही वो चार ही लिखे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये पांच है। ठीक, अब आप समझिए कि असर्टिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, एक्सक्लामेटरी क्या है, इंपरेटिव क्या है, ऑप्टेटिव क्या है। चूंकि हमें यही करना होगा, जैसे असर्टिव आता है तब हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इंटरोगेटिव आता है तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक्सक्लामेटरी आता है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव आता है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वैसे ही ऑप्टेटिव आता है तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि असर्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस हमने बताया ना, दिस इज लाइक अ डिक्लेरेशन, इट्स लाइक अ अनाउंसमेंट, इट्स लाइक अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है जो किसी वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कहा जाता है, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये जब उसमें क्वेश्चन किया जाए और जब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। अब ये जो इंटरोगेटिव होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो वो जो जैसे इसमें ही आप समझ लें ऐसे ऐसा, मतलब दूसरा, पहला तो ये आप कह लें कि जो दैट स्टार्ट्स विद, दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। मतलब पहला तो ये होता है, एक दो सेंटेंस बनते हैं इंटरोगेटिव में, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से अकॉर्डिंग बनता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले रख दिया जाता है और दूसरा जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से होता है, तो उसे हमें कैसे करना है। और आप समझिए कि एक्सक्लामेटरी में क्या आएगा, इसमें आपको मिलेगा हैप्पीनेस दिखाई देगा, मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो किया जाता है। अब वो स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग में जैसे इमोशन भी आ सकती है और सरप्राइज भी आ सकता है, कुछ कुछ ऐसी अनहोनी घटना जो हो, मतलब जो वाकई में आपके फीलिंग को वो करे, इफेक्ट करे। जो इफेक्टिव एक्साइटमेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इम्परेटिव वो जो आपको अलाउ करते हैं, जैसे उसमें आपको सजेशन आ सकता है, एडवाइस आएगा, ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, तो ये सभी चीज़, जैसे कोई आपको ऑर्डर करता है तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और जैसे हम यूज़ करते हैं कि अगर इसको हिंदी के मतलब देखें तो जो आज्ञा ऐसे बोला जाता है, आज्ञा सूचक जो सेंटेंस होते हैं ये होता है विस्मय बोधक शायद कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी वो जो फीलिंग्स को शो करे बहुत ज़्यादा, जैसे आप दुखी हैं तो आप कहें ओ नो ऐसा हो गया, तो ये जो ओ नो हमने वर्ड्स का यूज़ किया है ये एक्सक्लामेशन को शो कर रहा है, आपके वाकई में आपके फीलिंग्स को ये इफेक्ट करता है। तो जो इफेक्टिंग वर्ड्स होते हैं या जो इफेक्टिंग सेंटेंस होते हैं, दैट रियली हर्ट्स या दैट रियली अफेक्ट्स योर हार्ट और इमोशन फीलिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड्स और सेंटेंस। और दूसरा होता है इंपरेटिव, वेन देर इज देर हैव बीन मेंशनड ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, काइंडनेस, ऐसी चीज़ों को जब उसमें अब मेंशन होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे ही ऑप्टेटिव में आप देखेंगे विशेष आते हैं, देखिए इसमें कर्स भी आएगा विश भी आएगा, जैसे आपके लिए कोई ब्लेसिंग देता है, कोई आशीर्वाद देता है, तो कोई अभिशाप देता है, तो वो तो बात है कि देखिए विश और कर्स में क्या ही फ़र्क है। अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव वे में चीज़ें आप प्रे करते हैं गॉड से तो वो विश हो जाता है, ब्लेस हो जाता है। अगर आप नेगेटिव टर्म में यूज़ करते हैं, मतलब नेगेटिव किसी के बारे में प्रे करते हैं नेगेटिव चीज़ें, तो वो क्या हो जाता है, कर्स हो जाता है, अभिशाप हो जाता है, मतलब बैड हो जाता है, एविल हो जाता है, ये होता है। तो मतलब जब कभी भी प्रेयर की बात आएगी, विशिंग की बात आएगी, तो वो ऑप्टेटिव होगा। जनरली ये मे यू से स्टार्ट होता है, मतलब मे का यूज़ किया जाता है। और ये इंपरेटिव सेंटेंस आप हमेशा देखेंगे, दो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे, पहला तो ये होगा, एक तो स्टार्ट होता है मतलब कि क्या बोलते हैं वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा डू नॉट से स्टार्ट होगा,
डोंट से स्टार्ट होगा और पहला क्या होगा वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। ऑप्टेटिव में कर्स होता है, विश होता है, जो प्रेयर किया जाता है अच्छे के लिए बुरे के लिए, तो वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव ये पांच चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे कैसे बदलेंगे। और इसमें एक और चीज़ें आपको हमको ध्यान देनी होती है, वो होता है सब्जेक्ट का चेंजेस। ठीक, जैसे वहाँ पर है तो जो फर्स्ट पर्सन, जैसे अभी तो मैं पर्सन आपको बता दूं कि पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, वो आई देखिए इसके, देखिए इसकी थीम तैयार करने में समय लगेगा, जब एक दो लेक्चर आपको लगेगा तब हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, फिर इन्हीं चीज़ों को हम कल से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो आपको मतलब जाननी ज़रूरी होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे क्या हो गया कि वह प्रोनाउन को बदलना, और जो केस होता है, केस तो बहुत ही ज़रूरी, जैसे हमें क्या क्या देखना है कि देखिए अभी तो हमें जो सीखना है वो ये है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है और इसके केस क्या होते हैं। अब केस में आप ऐसे कह लें कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना अगर आपको नरेशन सीखना है तो। अब आप कहेंगे सर हमें नरेशन से सीखना है, तो मैंने बताया ना कि वो तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये उसके सभी एलिमेंट्स हैं, और किसी भी लैंग्वेज को अच्छा जानने के लिए सभी एलिमेंट्स को पढ़ना होगा, सिर्फ आप नरेशन सीख लेने डायरेक्ट क्या होता है उससे नहीं होगा। अब उसको जानने के लिए आप ये बेसिक चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस भी आपको पता होना चाहिए, पजेसिव केस भी आपको आना चाहिए, ठीक है, पजेसिव केस भी आपको आना चाहिए। तो ये क्या है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, और किसका कौन होता है, मतलब आई का पजेसिव क्या होता है, आई का सब्जेक्टिव, मतलब आई खुद ही नॉमिनेटिव है तो आई का जो पजेसिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी उसी में आ जाता है, उसे इंटेंसिव या इम्फैटिक उसी से बनता है। तो वो चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया एक इंट्रोडक्शन क्लास की तरह और नरेशन के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और आई होप आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और अब आप सभी अपने दोस्तों को बता दें कि आपके लिए 20 से 25 दिन में पूरा का पूरा हम नरेशन फिनिश करेंगे और वॉइस भी फिनिश करेंगे, सिंथेसिस सिंटैक्स भी फिनिश करेंगे। क्यों करेंगे? और अब आप कहेंगे सर आपका वकैब वाला सेशन, तो वकैब वाला सेशन मेरे दोस्तों आप समझें कि वकैब का सेशन चल रहा है। देखिए पर डे 4-5 वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा अभी मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब अभी नहीं हो पा रहा है कि जैसे एकेडमिक भी चलाता रहे वो चल, तो एक दो वीडियो आपको ज़रूर रोज़ मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो एकेडमिक को जैसे उसमें वकैब में मुझे लगता है 10-12 वीडियोस हो गए हैं, और प्रैक्टिस में भी 8-9 वीडियो हो गए, प्रैक्टिस सेशन में ही 8-9 होंगे तो 5-6 जरूर होंगे उसमें हो गया है। और जो एक थियरी की क्लास वाली पूरा का पूरा टेंस फिनिश हो गया है, तो वो देखकर आप इस नरेशन को भी सीखते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। तो वकैब के लिए वकैब वाला सेशन आप करते रहें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो बचेगा आपका नरेशन वॉइस, ये पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं इंटरमीडिएट की जो भी क्लास है उसमें ये सब चीज़ें आपकी पूरी फिनिश की कर दी जाएंगी अगले 20 से 25 तारीख तक। और मुझे लगता है कि 25 मार्च के बाद ही चीज़ें कुछ होंगी, या फिर और पहले भी होता तो मैं ज़रूर मतलब कंप्लीट कर देंगे, आप भरोसा रखें। और एक चीज़ और है कि अगर आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देखते हैं तो ग्रामर का पोर्शन जो होगा, जो जो नरेशन से आता है या वॉइस से आता है, उसमें एक भी नंबर आपका गड़बड़ नहीं होगा, ये मेरा मतलब आप अश्योरेंस आप समझ सकते हैं कि मैं इतना आपको एक्सपेक्ट आशा दिला सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।